टीकमगढ़ शहर में लगने वाली प्रदर्शनी की अनुमति निरस्त किए जाने को लेकर टीकमगढ़ व्यापारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। टीकमगढ़ शहर के व्यापारी संघ ने गुरुवार की दोपहर सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर शहर में लगने वाली प्रदर्शनी को निरस्त किए जाने को लेकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया, लगातार 5 वर्ष से शहर के बीचों बीच प्रदर्शनी लगाकर हमारी दुकानदारी को प्रभावित किया जाता है। यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। व्यापार यूनियन, जिला प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, व्यापार यूनियन, व्यापार यूनियन। जी बिल्कुल, आज अभी व्यापार संघ के कई जो भी अलग अलग संघ हैं, रेडीमेड वस्त्र और भी दुकानें, उन सभी लोगों ने मुझे कलेक्टर साहब के को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया, मुझे भी संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया कि यहाँ पर जो मेले और प्रदर्शनी या फिर जो सील बाजार वगैरह लगते हैं तो उनसे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको दिक्कत होती है। तो तथ्यात्मक जो उन्होंने जानकारी दी है कि क्वालिटी कम वाला माल सप्लाई करते हैं या फिर वो पहले से हैं और वो कंपटीशन का एक मतलब मुद्दा रहता है, उसके कारण उनको दिक्कत होती है। तो उसको विचार करके जैसा कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन का निर्णय होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और निर्णय लेंगे। बस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।